माथे पे जब तक बल रहा है, उजाला आंख से ओझल रहा है, ये सिस्टम देखकर मैं सोचता हूँ ये मेरा मुल्क कैसे चल रहा है। भाई कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अबे कौन लूट के खा गया मेरे खजाने को। नहीं, यही है सबसे बड़ी मिस्ट्री। अब तशरीफ ला रहे हैं वासिर चौधरी। रात देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, घबरा क्यों गए थे? नहीं, गरीब घर दे खलोते जवाई लग रहे जे। अब देखें कि आपको ये कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, क्या जिसके होंगे उसको कैसे लगते? सर इस तरह के इन्हों की गल का गुस्सा नहीं करना। मैं कहने मैं अज एक दुकानदार को पागल बनाया। मैं कि मैं कहना मैं 500 का ईजी लोड कराया तो नंबर मैं गलत देता। ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਮੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੋਰਨੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ, ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ठाकुर साहब का बेटा ना अपनी वालदा नूं कहिंदा, अपना संडा भाभी नूं कहिंदा कि मामा परी क्या होती है? वो कहिंदी बेटा परी वो होती है जिसके पर होते हैं और उड़ती है। तो कहिंदे साथ वाली आंटी है उसके पर भी नहीं है, पर पापा उसे परी क्यों कहते हैं? ते भाभी कहिंदी पोते ते खलो, अज वो परी भी उड़ेगी ते तेरा प्यो भी उड़ेगा। ते आप पापे की फोटो जेब च पा के फिर रहे। मैं क्या तू हर वे पापे की फोटो जेब च रखी होंगी? कहना मेरे ते जदों भी कोई मुसीबत आँदी ना मैं फोटो कट के सोचना जे मैं ऐ मुसीबत फेस कर कर। बताते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, लॉ पढ़ा था और बन गए हैं अब एक्टर। आप सबकी ताली में जनाब राणा माजिद। यंगस्टर कानून पढ़ने के बाद एक्टिंग की दुनिया में आ चुके हैं, वहां पे हमारी दूसरी मेहमान भी एक यंगस्टर है जो कि आईटी पढ़ रही है और एक्टिंग भी शुरू कर दी है। आप सबकी ताली और मोहतरमा अरीज मोहिउद्दीन। मैं एक खूबसूरत शेर लेकर आया हूं और वो जो शेर है वो आपके लिए और मेरे लिए। अरे अपने खसूसन गौर से सुन। जी सर। सरापा इश्क हूं मैं, अब बिखर जाऊं तो बेहतर है। वाह वाह। सरापा इश्क हूं मैं, अच्छा अच्छा ओके, अब बिखर जाऊं तो बेहतर है, जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊं तो बेहतर है। मैं एक्टिंग कर नहीं पाता, न होती होस्टिंग तुझसे। मैं एक्टिंग कर नहीं पाता, न होती होस्टिंग तुझसे, मैं कोशिश करके देखूंगा, सुधर जाऊं तो बेहतर। कमाल कर दिया। मैं कपड़े वाली दुकान पे जाके क्या कोई लेडी सूट विखाओ। अरे ये मिश्रा है। मैं कपड़े वाली दुकान मैं कपड़े वाली दुकान पे जाके क्या कोई लेडी सूट विखाओ। दुकानदार कहिंदा रश बड़ा है, तेनू इक्को ही गल सुनावा, बेगम ली चाहिदा या कोई चंगा जिहा विखावा? मेरा शेर तो हिब्बा के लिए। तेरे हाथों की लकीरों पे पड़ी अपनी रेखा, देखता हूँ किसी और को पड़ता है तेरा भुलेखा। इजाजत हो तो तुझे जी भर के देख लूं हिब्बा, बड़े दिनों से जकूटा जिन नहीं। वाह वाह वाह।
तो बात यार अरीज आपने देख लिया कि इस प्रोग्राम में क्या होता है। आपने देख लिया मेरे साथ इनके साथ इनके साथ क्या हो रहा है। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्या होगा। बिल्कुल कोई बड़ा समझाने वाला नहीं था आपको। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हाँ जी। क्या आपका ख्याल है शो के बारे में? बहुत अच्छा है। इवन कि मेरी अम्मी भी बहुत शौक से देखती है। अम्मी ताड़ी शो देखते हुए थे, अबू ताड़ी अम्मी ने देखते हुए कि एक ही देख रही है। माजे क्या आपके अम्मी अबू भी ऐसे ही हैं? नहीं ऐसे नहीं कि वो मतलब ऐसे कि हमारा शो देखते हो। हाँ बिल्कुल देखते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तुसी परेशान नहीं होना, इन्होंने मैं कहा कि बड़ी मेहरबानी शो ते बुलाना। नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी, ऐसे भी परेशान है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲਾਅ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਪਾਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਕੀ 'ਚ ਪਸਾਈ। करने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को पता है ये फैशन है। नहीं तुसी यार अगर कट के देखो ना कोट पड़ा, मैं 5000 रुपया देंगे तुम। आ जाओ शर्त ला ली। अच्छा दोगे 5000? मजाक कराते नहीं, 5000 दोगे? आज 5000 मांग रहे राणे ही लगे। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने ग्रेजुएट किया था? एक्सटर्नल प्रोग्राम। एक्सटर्नल प्रोग्राम पाकिस्तान में रहते हुए मैंने उनकी। और वैसे आप कभी लंदन गए, यूनिवर्सिटी देखी आपने? नहीं लंदन में कभी नहीं गया। कन्वोकेशन पे जाना चाह रहा था लेकिन शूट की वजह से जा नहीं पाया। शूट की वजह से जा नहीं पाए। आपको पता है कितनी दफा लंदन जा चुके हुए हैं? कौन ये कैसे भी यहाँ पे जो सारे बैठे हैं ये सब, इन्होंने लंदन का वो हाल किया कि आप लोग सोच नहीं सकते। हाँ जी ऐसे लंदन फुट गए थे फैसला पा ले। ऑलमोस्ट यही वाला हाल है कि लंदन का इन्होंने वो हाल किया। कितनी बार जा चुके हैं आप लंदन? मैं सर तकरीबन 15-20 बार। मैं तो परेशान हूं, तुम्हें वर्णन किसने दिया थे? जिन्हें इतने तुम मजाक रहे जो देता पहली बार देखे वो बच्ची जो है उनको देख रही है, उनसे मिली है और आप ये क्या इमेज छोड़ रहे हैं उनका? नहीं वो पहली बार तो मुझे भी तो देख रही है ना ये। चलो शुरू वो अभी पढ़ रही है। हाँ जी तो मैं पढ़ के फेल भी हो गया। सर वो मेरा चेहरा पढ़ रही है कि कितनी मोहब्बत है इसके चेहरे में, कितना खूबसूरत आदमी। हेलो सर जी। जी चलो ठीक है जी, मैं दस दूँ सर घरों भाभी का फोन, कहिंदी सुभान नूं उन्हें स्कूलों कढ दिता, फीस नहीं दी। मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो पढ़ाई कंप्लीट की एक बिल्कुल और चीज की और उसके बाद आपने एक्टिंग शुरू कर दी, ये अभी पढ़ रही हैं, आईटी पढ़ रही हैं आई बिलीव। हाँ जी। तो आप कोई मशवरा देना चाहेंगे इनको कि ये एक्टिंग की तरफ जो हल्का हल्का आ रही हैं ये आएं या ना आएं या आईटी में कंटिन्यू करें? नहीं बिल्कुल आएं, अगर पैशन है इनका शौक है तो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी यही किया, मैं अपना पैशन बहुत देर से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। स्कूल से मैंने थिएटर स्टार्ट किया, फिर मैंने कमर्शियल प्लेस किए कराची में, और जब मुझे पहला ड्रामा मिला तब मैं एक्चुअली एग्जाम्स दे रहा था अपने सेकेंड ईयर के LLB के। अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और मैंने बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई भी की है। वाले साहब भी वकील है मेरे, तो उनकी एक ख्वाहिश थी। ओए ये तो यार फिर रोज आप सुबह देखते होंगे काला कोट। बल्कि रोज वाले साहब के पैरे पे जैसा मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मगर एक्चुअली आई थिंक इट ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि जब वाले साहब वकील हैं और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो यू नो एक एवरीडे प्रेशर भी है कि यार डिग्री ली हुई है तो इसको इस्तेमाल ही कर लो। हाँ जी वो तो है, आ जाओ मेरे साथ ऑफिस आ जाओ। मगर आप जो हैं आईटी कंप्लीट करेंगे अभी, कितना रह गया आपका? मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, अभी मेट्स खत्म हुए हैं, थोड़ा सा टाइम है, 2 महीने के बाद मेरा फाइनल हो जाएगा। तो बेटे थोड़ा वेट कर लेती, इतनी एक्टिंग की तरफ क्यों जल्दी आ गई? मैंने ना जब स्टार्ट किया था तो समर्स से मैंने एक प्रोजेक्ट किया, समर्स के थोड़े से बाद पेपर खत्म हो गया, प्रोजेक्ट भी पेपर भी खत्म हो गए, फिर टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा उस टाइम में करूँगी। लेकिन फिर जब मुझे मिला तो पता थोड़ा थोड़ा डिले भी हो जाता है कभी कभी, तो काफ़ी बीच में गैप आ गया और फिर अभी तक चल रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि आपकी कितनी रह गई पढ़ाई बाकी? बस एक सेमेस्टर है। एक सेमेस्टर रह गया तो एक सेमेस्टर आराम से करो, उसके बाद एक्टिंग वैक्टिंग तो करती रहो। उसके बाद मैं इधर ही हूँ, कोई मसला नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं कैसर अंकल, आप बताओ। कैसर अंकल
कितने साल की बेटे आप? I'm sorry, I have to ask you, so, but कितने साल की? 22. बस मेरे तो दो साल बड़े थे. बड़ी बात. तुम्हारे कार का शीशा खराब है. देखो दीदी मोसेस बंदे लग ही नहीं रहे माशाल्लाह. मोसेस यार तो बंदे पुरानी फिल्म जाना के बुजुर्ग बंदा कहता बहू आएगा तो काम होएगा तो यहोजा बहू आंदा. बात सुनो वो बच्ची पहली दफा आई है. पता है बच्ची हम तो ध्यान ही नहीं साडा असि तो राणा साहब नूं गल्लां एक दिन ख्याल आया कि उदास साहब आपको कैसा फील हो रहा है रीच के बालों को देख के? बालों के बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छी बात. नहीं मगर वैसे बताएं ना कि कैसा लगता है आप जब अच्छे हैं. मैं भी रखूं तो मेरे भी ऐसे ही हैं. अच्छा अच्छा रीच आपको हेयर कट कितने अरसे बाद कराती हैं? मैंने तो काफी अरसा हुआ नहीं करवाया क्योंकि क्या होता है कर्ल्स ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो फिर लेंथ बढ़ती नहीं. अच्छा तो कोई आपका प्रोग्राम हो आने वाले फ्यूचर के अंदर तो आपने बेटे ध्यान रखना है. आपने यहाँ पे लाहौर में एक अंकल है उनको बाल भिजवाने हैं थोड़े से. जितने भी आपकी तरफ से इतने इतने भी चाहे हुए तो हमारा काम चल जाएगा. हमारा इतने इतने बाल करने में भी हमारा 7-8 लाख लग जाएगा. आपने प्लीज ये सोचना है चैरिटी समझ के आप दीजिएगा. मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन गुंजन वाले बाल ने देखो ना तुम्हारी जुआं भी आपस में गल्ला करते हैं इन्ने जंप बने फसल के तूने कही आशिकाना क्या पर आशिकी पे आ गया देखो जमाना क्या गुर्बत के जैसे जुर्म की पाही है वो सजा के जिसके आगे नाक से चने चबाना क्या डीजे न जब मिलेगी मिलावट बिना गिजा ऐसे में नौजवान भला हो दबाना क्या दसो भला आ आमिर लियाकत साहब भी मशहूर है. हाँ जी. तो वो भी अच्छे एक्टर है. नहीं एक्टर नहीं है. वो क्यों मशहूर है फिर? उन्हें तो पतीसा बहुत अच्छा बिक रहा है. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. अरीज एक्टिंग आप ड्रामा में तो कर रहे हो. हाँ. आगे क्या प्रोग्राम आपका है? क्या फिल्म भी करनी है मॉडलिंग भी करनी है या सिर्फ ड्रामे करने हैं? नहीं मैं करूँगी इंशाल्लाह मूवीज भी करूँगी और मॉडलिंग का मुझे शौक है लेकिन अभी फैमिली अलाउ नहीं कर रही. ठीक है मॉडलिंग अलाउ नहीं हो रही. हाँ. अभी तो एक्टिंग तो होगी है ना? है ना एक्टिंग होगी. तो ये जब सब कर रही होगी तो ये जो आईटी की डिग्री है इसका हम क्या करेंगे? डिग्री स्टडीज तो हमेशा काम आती है किसी भी जगह पे. तो कहाँ क्या मोबाइल ऐप खोलने में काम आ रही होंगी क्या? आईटी तो बहुत. हाँ वैसे हाँ आईटी तो करती है. ये आईटी की डिग्री कहाँ जाएगी? देखिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स होते हैं मोबाइल्स होते हैं हम यूज़ तो करते रहते हैं तो अगर मैं नहीं भी जाती प्रोफेशनली तब भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन. डिग्री वैसे भी काम है मेरे पास. जो डिग्री मेरे काम आती है 3 किलो पकौड़े भी अचा जाते हैं. यार कोई हाल नहीं तुम्हारा. ये बताएं किसी की एक्टिंग पसंद है आपको? हाँ मुझे पसंद है लेकिन मैं थोड़ा ड्रामे कम देखती हूँ लेकिन मुझे माहिरा खान सबा कमर फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा ये सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं. तो ड्रामे क्यों कट गए थे? किस्त वाले टीवी वापस ला गए. कम क्यों देखती हो ड्रामे? टाइम नहीं मिलता या वैसे शौक? हाँ, नहीं टाइम नहीं मिलता. बाकी टाइम नहीं मिलता. पहले मैं देखती थी शुरू शुरू में पीटीवी के ड्रामे भी देखती थी उस टाइम के जमाने में. हाँ उस मतलब काफी पहले. उम्र थोड़ी है. नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी तो उम्र आप पीटीवी के जमाने में ड्रामे देखती. हाँ वो ड्रामे बहुत अच्छे थे. मतलब मुझे नाम आप उस वक्त छोटी थी के जमाने में पहुंच कैसे गई आप? उम्र हाँ उम्र 22 साल थी या 122 साल? 96 की आप पैदाइश होंगी. 97 की हूँ. 97 में आ गई आप. हाँ. तो तब तक तो पीटीवी के जो गोल्डन एरा था वो तो खत्म सा हो रहा था. खत्म हो रहा था ना हुआ तो नहीं था ना. नहीं मगर बेटे क्या पैदा होते ही थोड़ी देखने लगी थी आप? पैदा होते ही अगले हफ्ते टीवी देखना शुरू कर दिया था. आई मीन है ना तुसी पैदा होए थे 15 मिनट बाद तुसी कहता मामा रिमोट तो देना जरा. नहीं मगर ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने क्या मतलब माजिद ये आपको लग रहा है आपको याद है वो पीटीवी का गोल्डन एरा वाले ड्रामे जो आपने फर्स्ट हैंड धुआं धुआं जब ऑन एयर था मैंने वो देखा. मुझे याद है मेरी मेमोरी लेन में अगर मैं जाऊं पीछे. हाँ तो धुआं वाज द लास्ट थिंग ऑल दो उससे पहले बहुत एक पीटीवी का अल्फा ब्रावो चार्ली के ये चले आप निकल जाएंगे. मगर ये बच्ची तो 97 में पैदा होकर क्या देखती रही है पता है क्या? मैं स्टार्ट करूं स्टोरी छोटी सी. हाँ बताएं. जब मैं स्टार्ट करना चाहती थी ना अपना एक्टिंग करियर तो फिर मैंने भाई से बात की. उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरी फैमिली अलाउ करेगी भी नहीं करेगी. तो उन्होंने कहा तुम किस जैसी बनना चाहती हो?
तो उस टाइम मैंने कहा माहिरा खान ठीक है। और उसके बाद मुझे पता था, मैंने कहा कि मैं ड्रामी नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे माहिरा खान बनना था। हाँ मुझे उनका नाम पता था, लोगों से तारीफें सुनी थी। हम सफर ड्रामा ठीक है देखा नहीं है मैंने पूरा, हम सफर भी नहीं देखा। तो आपको कैसे पता है कि माहिरा खान अच्छी एक्टर है? मुझे था। आपको कैसे पता कि फहद मुस्तफा अच्छे एक्टर है? फहद मुस्तफा की मैंने एक ड्रामा देखा था। कौन सा? और मूवी देखी थी मैंने। कौन सी? लॉर्ड वेडिंग। लॉर्ड वेडिंग आपने देखी पूरी? इनको देखा आपने उसमें? नहीं देखी इसने लॉर्ड वेडिंग नहीं देखी। तो उसके अंदर जो भी आपने जितनी देखी 20-30% कर लेते हैं चलें, यू नो, नहीं 20-30 भी ना करूं, पूरी 10 पे मान जाएं। अच्छा क्वेश्चन क्या है? मैं उसकी बेचारे की एक्टिंग पे आना चाहता हूं। एक्टिंग, हां एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या आपको एक्टिंग का कैसे अंदाजा हुआ कि वो अच्छी एक्टिंग करता है? अच्छा देखिए वो अच्छी एक्टर है क्योंकि वो इतने फेमस हैं और सब उनको पसंद करते हैं। अच्छा तो अब आप, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि क्योंकि वो फेमस हैं और सब उनको पसंद अच्छी एक्टिंग करता है। आपने साहिर लोधी की एक्टिंग देखी कभी? फेमस तो वो भी हैं। सॉन्ग सुना था मैंने उनका। फेमस तो वो भी हैं। साहिर लोधी सॉन्ग एक अच्छा था। हाँ साहिर लोधी का सॉन्ग वो जो उन्होंने खुद गाया ना? नहीं नहीं मुझे नहीं पता, बस मैंने एक लड़की थी और प्यारा सा एक डेजर्ट सा था उस पे, डेजर्ट के अंदर रास्ता फिल्म रास्ता जो गाना था, तो उससे आपको अंदाजा हुआ वो गाना देख के साहिर लोधी बड़े अच्छे एक्टर हैं। आमिर लियाकत साहब भी मशहूर हैं। हाँ जी। तो वो भी अच्छे एक्टर हैं? नहीं वो एक्टर नहीं है। वो क्यों मशहूर हैं फिर? क्योंकि वो उनका पतीसा बहुत अच्छा बिक रहा है। चलो भाई बस सेहत बीता अब खराब होंगी। मुबारक होवे भाई, मिलो आखिरी बारी, पता नहीं फिर मिलना सारी जिंदगी की नहीं मिलना। दुबई जा रहा ताडा भरा? अरे वाह। हां जी वाह, हुण उत्थे जाके जिंदगी इंजॉय। शर्ट दे दियो लाग मेहरबानी तुसीं। अस हुण दुबई जा रहे हैं। मोहसिन भाई मुबारक होवे दियो। तुझे मुबारक हो यार, दुबई जा रहे, जहाज ते जा रहे, जहाज ते हैं नहीं, सालम टांगा कराया भाई। जान छुट्टी तेरे को, जान छुट्टेगी ना। मैं मसन तेरे गर्म पानी पा देना भी रौनक महल्ले की जा रही है। किस बात शुक्र है अजाब इतने जा रहा मुसीबत मुसीबत ना गुस्सा करे अगर कल भी तेरी नाड़ नाड़ चढ़ गई। जवाइया वर्गा मूह हजे भी वेखो ना, कुड़िया ते लाइना मार दे। कोई गिफ्ट शिफ्ट भिजवा दी वहां से? तुम कराची में भेज ना साढ़े पास। कराची से क्या गिफ्ट आए? वो तो मैं दो पैकेट हलीम दे भेज दे। अच्छा दुबई चलना ना? हाँ। कोई उथे टेंशन कोई प्रॉब्लम होई मैनू जरूर दसना, मेरे सारे कजन उथे ही हुंदे ने। अरे क्या बात, मैं तेरे सारे कजनों नू जानदा, दुबई नहीं जेल च हुंदे ने। मेरा प्राणा सहेड़ा की हालत बिता सलामत रहो, अल्लाह तेनू वड्या करे। सिंगिंग के अंदर कोई पसंद है आपको? पाकिस्तान में हाँ मोमना मुस्तैशन बहुत मशहूर है। हाँ, 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 है ना, है ना, मशहूर तो अच्छी होती है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। माजिद, इनको तो अभी नहीं एग्जैक्टली समझ आ रही थी कि इनको क्यों पसंद है एक्टिंग इन सब की। जी जी। को खास मैं निकाल नहीं सका उसके अंदर से सिवाय इसके कि वो लोग मशहूर थे। जी। हाँ। आपको एक्टिंग पसंद है कुछ और लोगों की? जी काफी लोगों की पसंद। बताएं किन की? सबा कमर, ठीक है, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। फैसल कुरैशी, हमायूं सईद, नहीं सॉरी, हमायूं सईद साहब के ऊपर आपको तश्वीश है थोड़ी सी? नहीं नहीं, एक्टिंग के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से तो नहीं, वो और वो जो उन्होंने किराने की दुकान खोली हुई है उससे मुतमईन है आप के वो सही काम कर रहे हैं? वो ठीक चल रही है, वो ठीक आजकल, वैसे ओवरऑल रिसेशन है, शायद हो सकता है आगे जाके किराने की दुकान आ रहा है प्रॉब्लम अभी भी। नहीं ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है क्या कोई
क्या नहीं हो पा रहा उनसे? वर्सिटैलिटी नहीं, वर्सिटैलिटी नहीं आ रही उनके पास। आपने कोई राणा साहब का ड्रामा देखा है? हाँ जी नहीं जो तो उन्होंने लोड वेडिंग नहीं देखी, मैं तो वेडिंग में देखी है। लोड वेडिंग देखी आपने, तो वो कैसी लगी आप? अच्छी फिल्म थी। अच्छी लगी, तो उसमें किसकी एक्टिंग अच्छी थी? छोड़ के बाकी सारे भी अच्छी थी। अच्छा, एक आदमी इंसान यानी कि हमें मिला अगर जिसे लोड वेडिंग पूरी देखी हुई है। फिल्मों में है आपका प्रोग्राम काम करने? जी जी बिल्कुल है, अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो मैं डेफिनेटली। अच्छी स्क्रिप्ट यानी कि कैसी होनी चाहिए? गैंग वॉर टाइप मूवी करना, गैंग वॉर टाइप करना चाहते हैं, तो कोई गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप की फिल्म हो? हाँ कह लें, लेकिन वो पाकिस्तानी बेस, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान में हो। और मगर कोई पाकिस्तानी फिल्म आपको अच्छी लगी है? आई थिंक एक्टर इन लॉ अच्छी थी, एक्टर इन लॉ अच्छी थी, जवानी फिर नहीं आनी, कॉमेडी अच्छी थी, एक्टर नहीं अच्छे थे। मैं मूवी सोच रहा हूँ, मौला जट का मैं वेट कर रहा हूँ। मौला जट का वेट कर रहे हैं? हाँ, पुरानी देख लो। और कुछ खास? सिंगिंग भी करती हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो ये आपने सिंगिंग में जाने का नहीं सोच रहा कभी? फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी स्टडीज है ना साथ। अच्छा, साथ तो फिर जो कर रही हूँ उसी पे फोकस कर रही हूँ। तो सिंगिंग के अंदर कोई पसंद है आपको? पाकिस्तान में हाँ, मोमना मुस्तहसन बहुत मशहूर है। हाँ, 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 है ना, है ना? मशहूर है तो अच्छी होती है। परेशान हो गए टुरन का जस्टिन ट्रूडो बर्गर खा रहा सी ना, ते अचानक काल वजी एडी जोर दी। हाँ। मेरा सारा ख्वाब टूट गया। चलो इमरान खान साहब दी काल। ओके। मैंने कहा कम बैक टू द एज सून एज पॉसिबल। ओके। ओ डाला गया उसी बच्चे नु स्कूल छड्डन। अच्छा। कटिया फिर मैं मोटरसाइकिल। वाह। स्पीड आ मैं मोड़ मुड़िया। हाँ। काम दे जो जा जाके क्यों क्यों अब मोड़ ही नहीं सी। उन्होंने कहा भी इन्हें सारे जवाना नू चार टाइम एक्सरसाइज करानी, चार टाइम ते तीन टाइम रोटी देनी। भला क्यों? क्यों मैंने भी नहीं पता। उन्होंने कहा भी एक्सरसाइज करानी। हाँ। इन्हें चौकस रखना। अच्छा। जिम्मे तू आप चौकस है। वाह वाह। जी सर उन्होंने कहा इन्हें इर्द गिर्द रहना। अच्छा। इन्हें तू बिल्कुल एक टाइम वास्ते भी अखा तू ओझल नहीं करना, किसी गैर उन्हें मिलना। वाह। और कलाब शलाब अनाब शनाब जराए बलाग तो दूर रखना। ओए ओए ओ मेनू डर दित्ता राणा सनावला। नहीं नहीं राणा सनावला नहीं, राणा माजिद। यस। ओ यार बड़ा जबरदस्त एक्टर है यार। अच्छा। काम के करदा ड्रामा वेखो ना इश्क बेपनाह। अच्छा। तुहानू बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी इन्हां नाल। अच्छा। कदी भी नहीं मिलोगे। अपना मोहतरमा गुलामुद्दीन साहिबा। नहीं गुलामुद्दीन साहिबा नहीं, अपना तजदीद वफा। अच्छा। इन्हां दा ड्रामा सी ना। हां माशाल्लाह देखो निक्की जी है। हां ते सवेरे सवेरे नाश्ता भी नहीं करदी, अपना फीडर लेके ते शूटिंग। ये बात है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਮੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਗੜ ਧੰਮ ਦਿਨਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਯੈਸ ਕੈਮਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਐਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਸਹੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਹ ਫੋਨ ਆਪਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਰ ਚੱਲਿਓ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ तो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी राणा माजिद साहब और कैसर पिया आप मायने करेंगे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात रीज आपको कुछ सवाल दूंगा और आपके साथ ऑप्शंस दूंगा उनमें से किसी एक को आपको जवाब बनाना होगा आपको कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ जनरल नॉलेज साइट ठीक है सो दैट्स अप टू यू द आइडिया इज कि आपने जवाब देना है या इधर या फिर इधर तो कौन पहले आप में से खेलना चाहेगा लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट करें चलिए फिर लेडीज फर्स्ट करते हैं तो अरीज ये बताइए इनमें से किसके साथ एक साल में काम करना चाहती हैं किसके साथ दो साल में काम करना चाहती हैं और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हुमायूं सईद अदनान सदीकी और नुमान एजाज तो किसके साथ एक साल में काम करना चाहती हैं नुमान एजाज दो साल में किसके साथ अदनान सदीकी किसके साथ काम ना भी करें फर्क नहीं पड़ता हुमायूं सईद साहब आप हैं वो जिनके साथ काम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी फोन उठाएंगी नहीं और किसका फोन आए तो अपना फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान सबा कमर और महविश हयात तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी माहिरा खान किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं सबा कमर और किसका फोन आए तो फोन बंद कर रही हैं आप अपना महविश हयात आपका फोन बंद हो जाएगा हुमायूं सईद साहब आपके साथ काम ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता इन्होंने यकीनन फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी देखिए देखिए और असी आज महसूस भी कर लिया कि कैसी अच्छी होगी पंजाब नहीं जाऊंगी देखी हुई है तो आप मेरे पिछले दोनों सवालों का जवाब देख सकते हैं ये बताइए एक चेयर लिफ्ट है जो दो पहाड़ों के दरमियान में जाकर रुक गई है नीचे खाई है ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट अभी ठीक नहीं होनी तो इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बिठाना चाहेंगी ठीक है ऑप्शंस आपके पास हैं साहिर लोधी और डॉक्टर आमिर लियाकत डॉक्टर आमिर लियाकत कोई खास वजह नहीं कोई खास कोई वजह नहीं है बस ऐसे ही रैंडम यू नो रैंडम तो रैंडम में साहिर लोधी क्यों नहीं थे आमिर लियाकत काफी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे बातचीत करते हैं ये बताइए इनमें से किसके साथ लीगी सेल्फी को सोशल मीडिया पे लगाएंगी किसके साथ लीगी सेल्फी को आप सोशल मीडिया पे नहीं लगाएंगी लेकिन अपनी फोन गैलरी में रहने देंगी और किसके साथ लीगी सेल्फी को आप फौरन डिलीट ही कर देंगी ठीक है जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमजा अब्बासी अहद रजा मीर और मिकाल जुल्फिकार कौन सी सेल्फी सोशल मीडिया पे लगेगी हाँ, हमजा अब्बासी की लगाऊंगी ठीक है मिकाल को रखूंगी फोन बुक में रखेंगी अपनी और डिलीट कौन सी कर रही है आहद रजा मीर आपके साथ लीगी सेल्फी को फौरन डिलीट कर देंगी ठीक है ये बताइए मजबूरी के तहत आपको एक तस्वीर बड़ी सी ब्लो अप करा के फ्रेम करानी है और अपने कमरे में लगानी है okay. आप रोज सुबह उठेंगे आपको वो तस्वीर सामने नजर आएगी इनमें से किसकी होगी वो तस्वीर जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्ला मौलाना फजलुर रहमान कोई खास वजह उनको मैंने देखा है मौलाना फजल रहमान साहब को देखा हुआ है उनकी तस्वीर होगी वो टाइटैनिक देखी हुई है आपने हाँ जी देखी हुई है ये आपने बड़ा होने के बाद देखी थी ना बिल्कुल क्योंकि ये 98 में आई थी उस वक्त तो आप एक साल की होंगी नहीं 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 काफी अरसे बाद मैंने देखी होगी मुझे याद है मूवी बस ठीक है टाइटैनिक पे जाने का वक्त आ गया है ठीक है दो वीआईपी पास आपके पास है एक आपको अपना दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास हैं राणा माजिद साहब और कैसर पिया सारी जिंदगी साथ रहना तो टाइटैनिक बहुत इजी है जी आप बताइए आपका डिसीजन है टाइटैनिक क्यों लेना चाहिए ना डिसीजन क्या होगा कौन माइन नहीं करेगा आप माइन नहीं करेंगे मैंने
ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਫਰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਡਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਠਾਏਗੇ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਈਟ ਪੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਹਮਾਯੂ ਸਈਦ ਤਾਂ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਔਰ ਕਿਸਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਪੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਯੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਵੋ ਜਿਨਕਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਨਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਹੈ ਤੋ ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਹੈ ਤੋ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 3-4 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਫਰ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਉਸੀ ਵਕਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਇਕਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਬਾ ਕਮਰ ਔਰ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਤੋ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਫਰ ਹੈ ਤੋ ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗੇ ਸਬਾ ਕਮਰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਹੈ ਤੋ ਕਹੇਂਗੇ 3-4 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਔਰ ਕਿਸ ਕੋ ਆਪਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫੌਰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਵੋ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਕਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪ ਹੈ ਵੋ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਕਭੀ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਆਈ ਤੋ ਇਹ ਫੌਰਨ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ 1 ਸਾਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ 2 ਸਾਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਫਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਬਟ ਔਰ ਯਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ 1 ਸਾਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਫਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ 2 ਸਾਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਬਟ ਔਰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਯਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਯਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਇਕਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਡਿਨਰ ਕੀ ਆਫਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਮਜਬੂਰੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਲਗਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾ ਬਲੋ ਅਪ ਹੋਆ ਹੋਗਾ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੀ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉੱਠਤੇ ਹੀ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੋ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਔਰ ਆਬਿਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉੱਠਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਗਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਾਦਾ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਸਰ ਟਾਟਾ ਨੇਕ ਬਜਾਨੇ ਕਾ ਵਕਤ 2 ਟਿਕਟਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਔਰ ਅਰੀਜ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਸਾਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਬ ਹਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਸਰ ਡੂਬਤੀ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇ ਸਵਾਰ 2 ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਚਲ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਕਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਵੋ ਕੋ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਇਨਕੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर ਯੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੀਜ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰਾ مشورہ ਹੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਸਮੇ ਖੇਲਤੀ ਰਹੀਏਗਾ ਔਰ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰੀਏਗਾ ਡੀਜੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ